नमस्ते, मैं हूँ सीमा, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, EFT प्रैक्टिशनर, NLP ट्रेनर, लाइफ कोच एंड एंजल हीलर। अभी नया साल शुरू होने वाला है और 2020 ख़त्म हो रहा है। सिर्फ एक दिन बाकी है और इतनी सारी यादें छोड़ के जा रहा है। ये यादें अच्छी नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी थी। इतने अपने लोगों को खोया है, इतने लोगों ने जॉब्स खोई है, इतने लोगों के काम बंद हो गए हैं, बहुत ट्रेजडीज हुई हैं। तो ये जो हमारा साल गया है, ये एक अलग तरीके से हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। और जो 21 आ रहा है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हम पास्ट में जो मेमोरीज लेके आए हैं, कुछ ऐसी पॉजिटिव इंटेंशंस हम दें कि जैसा भी हमारा पिछला साल निकला है, उनमें अगर हम सब लोग मिलके पॉजिटिव इंटेंशंस भेजेंगे यूनिवर्स में, तो कैसा लाइफ चेंज होती है, पॉजिटिव इंटेंशन से वाइब्रेशंस कैसे चेंज होती है, क्या कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी होती हैं या सारे यूनिवर्स के भी हाथ में होती हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे। अगर हम रेकी को यूज़ करते हैं, रेकी का इस्तेमाल करते हैं न्यू ईयर्स में, और कुछ ऐसे चीज़ें लिख के रखते हैं और उसको यूज़ करते हैं, तो कैसे रहता है। तो सबसे पहले हमने सोचा कि रेकी के इंटेंशंस को क्या करें, रेकी कैसे यूज़ करें। 21 एक बहुत ही फैंटास्टिक ईयर है जिसमें हम अपना नया साल इंटेंशंस के साथ शुरू करें। आप तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ शुरू करें। अगर हम 31st की मस्ती में चूर हैं, जो कि इस समय इतनी पार्टीज़ नहीं होने वाली, घर पे हैं या ग्रुप में भी हैं, तो आप 5 मिनट दीजिए अपने लिए इंटेंशन सेट करने के लिए। अगर आप रेकी चैनल हैं और रेकी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, रेकी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये इंटेंशन बहुत सही होगी कि आप एटलीस्ट 10 मिनट्स अपने आप को 10 मिनट देंगे हील करने के लिए। 21 में अगर हम हीलिंग अपनी स्टार्ट करते हैं 10 मिनट, तो देखिएगा कितने चेंजेस आते हैं हमारे अंदर। क्योंकि हम जब सीखते हैं तब अपनी हीलिंग करते हैं, वरना हम बंद कर देते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम इस नए साल में अपनी हीलिंग करने का प्रण लें, देखिए कैसे चेंजेस आते हैं। और अगर अधिक समय है तो हम जो इसका रिचुअल है 24 पॉइंट्स का, वो कर सकते हैं। दूसरा, हम मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन कैसे करेंगे, मेडिटेशन करने के लिए क्या होता है, मेडिटेशन करने से हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, हमारी इंट्यूटिव अवेयरनेस बढ़ती है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी डाउन जाता है। तो हमें रेकी मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत है या नॉर्मल मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। हम रेकी के 5 प्रिंसिपल्स पे भी मेडिटेट कर सकते हैं। ये 5 प्रिंसिपल्स हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव लेके आएंगे। ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये जो लोगों को हेल्प करना है, ये जो हम छोटे छोटे से प्रिंसिपल्स जो 5 बोलेंगे, देखिएगा कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आती है हमारी लाइफ में। अब अगर आपने बहुत दिनों से रेकी के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, आपने अपने पुराने नोट्स, अपने मैनुअल्स नहीं पढ़े हैं, यही वो टाइम है। आप खोलिए अपनी कबर्ड, निकालिए पुराने नोट्स, पढ़िए, इंटरनेट पे जाइए, अपने आप को रिब्रश करिए। आपको वापस पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम अपने नोट्स खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो हम वापस उस एनर्जी में चार्जअप हो जाते हैं। आप लोगों से बात करिए जो इस फील्ड के हैं, कनेक्ट होइए, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करिए, उनके एक्सपीरियंसेस लीजिए, देखिए कैसे ट्रांसफॉर्मेटिव होती है और कैसे आप रेकी के अंदर वापस इस नए साल में घुसते हैं वो पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए जिसकी आप इच्छा हमेशा रखते हैं। आप जब ये पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे नई चीज़ें भी समझ आएंगी। आप ये भी कर सकते हैं कि आप रेकी को अपने लाइफ में कहाँ कहाँ नई नई जगह यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। आप रेकी बात ले सकते हैं, आप प्लांट्स में रेकी दे सकते हैं, आप अपने पेट्स को रेकी दे सकते हैं, आप खाना खाते हैं उसको रेकी दे सकते हैं, आप अपने मेडिसिंस को रेकी दे सकते हैं, आप कहीं घर से निकल रहे हैं अपने गाड़ी को या अपने जो भी आपका व्हीकल है उसको रेकी दे सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, रेकी शुड बी द वे ऑफ लाइफ। सो रेकी को आप वापस एक्सपीरियंस करिए अपने लाइफ में, हर जगह इसको वापस लेके आइए 21 में, देखिए कैसे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अब हम बात करते हैं, रेकी अगर आपने नहीं सीखी हुई है तो क्या करें। तो यही टाइम है, आप अपने आप को रेकी से जोड़िए, क्लासेस ज्वाइन करिए, वर्कशॉप ज्वाइन करिए, रेकी सीखिए और आगे बढ़िए। और जिन्होंने
कर रखी है वो और आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट डिग्री वाले सेकंड डिग्री ले सकते हैं, थर्ड डिग्री मास्टरशिप ग्रैंड मास्टरशिप बन के आप इसमें अपनी जर्नी तय कर सकते हैं। और मेडिटेशंस भी मैंने कुछ ऐसे छोटे छोटे बनाए हैं 10 मिनट्स के, जिसे आप करेंगे तो आपके अगर समय की कमी है तो आप फटाफट अपने आप को चार्ज कर सकते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन में फ़ायदा होने लग जाएगा। क्योंकि रेकी वो पावर है जो हमारे पास है और हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं या उतना यूज़ नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। तो जो 20 के एक्सपीरियंस रहे हमारे, हमने उसमें भी बहुत रेकी का इस्तेमाल किया था। जैसे कोविड के टाइम पे जिनके कोविड हुआ या मुझे कोविड हुआ तो मैंने रेकी का इस्तेमाल किया और देखा मैं काफ़ी अच्छी से रिकवरी से बाहर आई हूँ। तो आप देखिए उस समय हमने इस्तेमाल किया, अभी भी काफ़ी लोगों के आफ्टर इफ़ेक्ट्स उस बीमारी के बाद रह गए हैं। वो रेकी उनको देते जाइए, लोगों को एक्सपीरियंस करिए, कुछ फ्री वर्कशॉप्स रखिए, किसी को फ्री रेकी भी दीजिए, ताकि अगर कुछ हम देते हैं तो हमें वापस ब्रह्मांड देता ही है। तो रेकी को आप इस समय बहुत ज़रूरत है 21 की आपको अपने लाइफ में उतारने की और दूसरों को भी प्रोत्साहित करने की। तो रेकी जो 2021 है, इट शुड बी द वे ऑफ योर लाइफ। दिस वॉज सीमा टॉकिंग टू यू। होप यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैवन सो फार प्लीज़ डू इट एंड ऑल्सो शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।